मेरा नाम देवेंद्र गोयल है, सराफा कमेटी का सचिव। आज किस चीज़ को लेकर जो मथुरा में जो हत्याकांड हुआ है, आगरा में जो कांड हुआ है, लूटपाट हो रही है डेली, ऐसा तीन दिन के अंदर कम से कम 25-50 कांड जो हो चुके हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि योगी जी की सरकार सो गई है। इन्होंने अच्छे दिन का हमें भरोसा दिलाया। आप व्यापारी दुनिया भर का टैक्स देता है, एक एक चीज पर टैक्स देता है, खाना भी खाता था उस पर भी टैक्स देता है, उसके बाद इसमें गोली मारी आ रही है। इन घटनाओं को लेकर व्यापारियों में कितनी दहशत है? व्यापारी में दहशत तो जी है कि घसे निकलने का मन नहीं कर रहा है। अब ये पोजीशन हमारी बना दी है, हमें ऐसा लगता है कि हमें आगरा आसपास का एरिया छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। अब इस घटना को लेकर आंदोलन आप छेड़ रहे हैं, आंदोलन अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कहां तक जाएगा? अगर ये मथुरा वाला कांड का खुलासा ये नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है। क्या आपको लगता है योगी सरकार शराब व्यापारियों को लेकर बिल्कुल फेल हो चुकी है? हमें इस पोजीशन को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि व्यापारी की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और अच्छे दिन का जो भरोसा हमको दिलाया था, अच्छे दिन हम गोली खा रहे हैं, वही हमारे अच्छे दिन है। योगी सरकार फेल लेवल में लगे कुछ महसूस तो ऐसी हो रहा है। भाजपा सरकार से क्या उम्मीदें थी आपको? भाजपा सरकार से बहुत उम्मीद थी, जब भी हम लोगों ने उनको वोट दिया और इस बहुमत से वो लोग आए थे जी। और जिस बहुमत से हमने उनको वोट दिया और जो वो लोग आए हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो व्यापारी तरफ वो बिल्कुल भी चिंतित हैं। प्रदेश के डीजीपी ने आश्वासन दिया है, उसके बाद आपको क्या उम्मीद है आश्वासन में? डीजीपी साहब से हम कल मिले थे, हमारे डेलीगेशन मिला था वहाँ पर, और उन्होंने पूरी तरीके से, हमारे आईजी साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे, उन्होंने ये पूरा दिया है कि कोई जो ये घटना घटेगी वो सच्ची घटना घटेगी, और हम व्यापारियों के साथ हैं और आगे कोशिश करेंगे कि ये घटना ना हो।